राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में काकोरी एक्शन ट्रेन की वर्षगांठ के मौके पर काकोरी शहीद स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने आजादी की लड़ाई पर आधारित चित्र प्रदर्शनी म्यूरल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान स्वाधीनता संग्राम के शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए और वर्तमान पीढ़ी को इस तरह की ऐतिहासिक घटना याद दिलानी चाहिए ताकि वे संस्कारवान बन सकें। श्रीमती पटेल ने स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव नए विचारों, संकल्पों और आत्मनिर्भरता का महोत्सव है। क्रांतिकारियों की सभी घटनाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि हम एकजुट होकर और जाति धर्म से उठकर राष्ट्र धर्म से जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मऊ जिले में जनपद के सभी शहीद स्मारकों पर सुबह द्वीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से मधुबन के कटघरा शंकर में शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी और मेले के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। बिजनौर जिले में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वाराणसी और जौनपुर में अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के क्रम में एनसीसी कैडेट और छात्रों ने प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा निकाली। हापुड़, अमरोहा और बलिया में भी शहीदों को नमन किया गया तथा स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 16 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रमों के आयोजन का क्रम जारी रहेगा।